दोस्तों ये कहानी एक हाथी की है। बात है 1916 की, जब अमेरिका के स्पार्क्स नामक एक सर्कस में मेरी नाम की एक काफी मशहूर हाथी हुआ करती थी। उसके केयर टेकर ने सर्कस छोड़ दिया और उसके नए केयर टेकर ने इसको कंट्रोल करने के लिए इसके शरीर से भाले नुमा छड़ी को लगाए रखा, क्योंकि वो उसे ठीक तरीके से संभाल नहीं पा रहा था। और एक दिन रोड शो के दौरान मेरी ने सड़क किनारे कुछ खाने की चीज देखी। जब हाथी उस तरफ जाने लगी तब उसके केयर टेकर ने उसे रोका और ना रुकने पर उसने भाला घोंप दिया। उसके बाद मेरी को गुस्सा आ गया और उसने उस केयर टेकर को जमीन पर पटक कर पैर से कुचल दिया। इस वजह से इस बेजुबा हथनी को फांसी की सजा सुनाई गई। फैसला हुआ कि मेरी को सभी लोगों के सामने फांसी पर चढ़ाया जाए। इसके लिए 100 टन की क्रेन मंगाई गई। मेरी के गर्दन पर चेन बांधकर क्रेन से उठाया गया, पर वजन ज्यादा होने के कारण चेन टूट गई। ऊंचाई से गिरने के कारण उसकी गर्दन भी टूट गई, पर लोगों को इस पर भी दया नहीं आया। उसे दोबारा लटकाया गया और आधे घंटे तक लटका कर रखा गया। उस दिन मेरी की मौत नहीं, इंसानियत की मौत हुई थी।